अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अभी सऊदी अरब के अंदर आने के लिए कौन सी वीजा बेस्ट है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से काफी सारी कमेंट भी आ रही हैं कि हमें अपनी फैमिली को बुलाना है तो कौन सी वीजा पे बुला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कौन कौन सी वीजा मिल रही है, कौन सी वीजा बंद हो गई है। जैसे कि आपको मालूम है अभी हज सीजन जो है शुरू हो गया है, तो हज की वजह से कुछ वीजा बंद कर दी गई है, लेकिन कुछ वीजा अभी भी मिल रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हज की वजह से उमरा वीजा बंद हो गई है, पर्सनल विजिट वीजा भी बंद हो गई है। पिछले महीने लोगों ने हमसे लगभग 100 वीजा से भी ज्यादा उम्रे की वीजा ली है, क्योंकि उसमें फायदा ये होता था कि VFS सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं थी, एक ही दिन में वीजा अप्रूव हो रहा था, ज्यादा ज्यादा 2 दिन में जो है वीजा उम्रे का मिल रहा था। लेकिन अभी जितने भी वीजा मिल रही है उसके लिए VFS सेंटर में भी जाना पड़ता है। तो पिछले महीने और उससे पिछले महीने भी ज्यादातर लोगों ने उम्रे की वीजा ही ली है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, पर्सनल विजिट वीजा भी बंद हो चुकी है और ये हज के बाद शुरू होगी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अभी जो है आपके पास में कौन कौन सा ऑप्शन है, कौन कौन सी वीजा पर आप अपनी फैमिली को सऊदी अरब के अंदर बुला सकते हैं और कौन सी वीजा जो है बेस्ट रहेगी आपके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा टूरिस्ट वीजा के बारे में। तो देखिए, टूरिस्ट वीजा 90 डेज का होता है, मल्टीपल एंट्री, यानी कितनी बार भी आप सऊदी अरब आ सकते हैं, जा सकते हैं एक साल के अंदर अंदर। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और इसको जो है एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि काफी लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये 90 डेज का है, तो क्या ये फिर से एक्सटेंड हो जाएगा या नहीं होगा, या हम पूरे एक साल तक यहाँ पर रुक सकते हैं? देखिए, टूरिस्ट वीजा 90 दिन का ही होता है, यानी एक साल के अंदर अंदर सिर्फ 90 दिन ही आप सऊदी अरब के अंदर रुक सकते हैं। चाहे आप लगातार 90 दिन रुक जाएं या थोड़ा थोड़ा करके, यानी 30 30 30, यानी 90 दिन हो जाएंगे, इस तरह से जो है आप 90 दिन पूरा कर सकते हैं। यानी जहां आपके 90 दिन पूरे हुए सऊदी अरब के अंदर, ये वीजा एक्सपायर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस वीजा के बारे में, जो कि अभी भी मिल रहा है, और ये जो है मल्टीपल एंट्री होता है, 365 दिन तक ये वैलिड रहेगा, और हर 90 दिन में आपको सऊदी अरब से एग्जिट करना होगा। यानी ये कह लीजिए आप, जिस तरह से फैमिली विजिट वीजा होती है वैसे ही ये वीजा है। इसमें आप 90 दिन रुकेंगे, फिर एग्जिट करेंगे, फिर 90 दिन के लिए आप आएंगे यहाँ पर। इस तरह से आप पूरा एक साल कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप में से किसी को भी टूरिस्ट वीजा चाहिए या बिजनेस वीजा चाहिए, तो हम इसकी सर्विस दे रहे हैं पूरी इंडिया के अंदर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता, चंडीगढ़, कोची, अहमदाबाद, और इसके अलावा भी जहां पर भी VFS सेंटर बने हुए हैं, जहां पर सऊदी अरब का वीजा लगता है, वहां की सर्विस हम लोग जो है दे रहे हैं। अगर आप में से किसी को भी टूरिस्ट वीजा चाहिए या बिजनेस वीजा चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी भी काफी लोग इस चीज में कंफ्यूज हैं कि भाई, जो लोग उमरे की वीजा पर आए थे सऊदी अरब, उनको कब एग्जिट यहाँ से करना है, क्योंकि जो खबर आई थी 23 मई वाली, लोगों ने उसको गलत तरह से जो है समझा। जिन लोगों ने उसके बाद की फ्लाइट कर रखी थी वापसी की, उन्होंने पहले करा ली, और बहुत ही ज्यादा जो है लोग कंफ्यूज है, काफी जो है कमेंट आ रही थी। मैंने सोचा इसके बारे में फिर से आपको बता दूं। तो देखिए, 23 मई जो तारीख दी गई है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, वो उन लोगों के लिए है जिनके पास में उमरे की वीजा है और वो सऊदी अरब आना चाहते हैं। तो 23 मई की जो तारीख है, वो सऊदी अरब के अंदर एंट्री की आखिरी तारीख है उमरे की वीजा पर, अगर वो उमरे की वीजा पर आ रहे हैं तो। और यहाँ से वापसी की जो आखिरी तारीख है वो 6 जून है, यानी 6 जून से पहले पहले जितने लोग भी उमरे की वीजा पे आ चुके हैं या आ रहे हैं अभी भी, 6 जून से पहले पहले उनको सऊदी अरब को छोड़ देना है। इसके अलावा काफी लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि अभी हज के टाइम पर क्या फैमिली विजिट वीजा पर लोग आ सकते हैं या नहीं आ सकते, अगर वो अप्लाई करके निकालते हैं तो। तो बिल्कुल आप जो है फैमिली विजिट वीजा अप्लाई करके ले सकते हैं, और अभी भी जो है फैमिली विजिट वीजा मिल रहा है, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं उसको और अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। लेकिन हज के टाइम पर जो है, यानी कुछ दिनों पहले, जो जद्दा एयरपोर्ट है या मदीना एयरपोर्ट है, उसको जो है फैमिली विजिट वीजा वालों को या बाकी जो वीजा है वहां पर उनकी एंट्री बंद कर देते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं आप, क्योंकि बहुत ज्यादा हाजियों का रश होता है। इसके अलावा बाकी जो एयरपोर्ट है सऊदी अरब के अंदर, वहां पर आप आ सकते हैं। तो अगर आप में से किसी को भी टूरिस्ट वीजा चाहिए या बिजनेस वीजा चाहिए, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये कुछ जरूरी जानकारी आई थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।